वी विल स्टार्टिस न्यू मेडूल यू वी स्पेक्ट्रोस्कोपी स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक जिसमें हम इलेक्ट्रो मैगनीटिक रेडियशनस को इस्तेमाल करते हैं और यू वी स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसमें यू वी और विजिबल रीजन की अलैक्ट्रो मैगनीटिक रेडिएशन को इस्तेमाल करके और इनका इंट्रैक्शन स्टडी किया जाता है जो भी सैम्पल्स के साथ ये बिहेव करते हैं इस वक्त जिन स्लाइड्स को हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाली स्लाइड्स में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इंट्रोडक्शन लेंगे इसके बाद वेवलेंथ और एनर्जी का आपस का रिलेशन स्टडी करेंगे मुख्तलफ मॉलिक्यूल्स जब इंट्रैक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस कैसे होती हैं या किस वजह से होती हैं इसको डिस्कस करेंगे ऐसा क्रोमोफोर्स और ऑक्सोक्रोम एक बेसिक टर्मनोलॉजी है यू युव, वी स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम इस्तेमाल करते हैं इसके बाद बियर लैम्बर्ट लॉ यानी एब्ज़ॉर्बेंस का रिलेशन कंसंट्रेशन के साथ और ट्रांसमिटेंस के साथ इसकी एप्लीकेशंस को और इन के मुख्तलिफ एक्सप्लेनेशंस को हम डिस्कस करते हैं सब्चिचेंट्स की इफेक्ट्स क्या होंगे यूवी स्पेक्ट्रम पर सब्चिचेंट चेंज होने से यूवी स्पेक्ट्रम किस साइड पर शिफ्ट होता है इसको और यूवी स्पेक्ट्रम के अपने कौन से पैरामीटर्स हैं जिसमें उसे स्टडी किया जाता है इसको हम इस मॉड्यूल के अंदर डिस्कस करेंगे स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ यू स्पेक्ट फोटोमीटर जिससे हम एनालिसिस करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट की स्कीमेटिक डायग्राम, उसमें कौन से पार्ट्स हैं उन पार्ट के बारे में भी जैसे मोनोक्रोमैटर्स हैं या पी हैं तो उनकी भी कुछ केमिस्ट्री और सेंस हम डिस्कस करेंगे और फाइनली हम वुड वुड फीजर रूल को डिस्कस करेंगे जो एक मैथड है जिसके ज़रिए हम थोरेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं वेव लेंथ को इलेक्ट्रो मैगनेटिक रेडिएशनस इनको इलेक्ट्रो मैगनीटिक कहा जाता है क्योंकि इलेक्ट्रिक बिहेवियर भी रखती हैं और मैगनीटिकली भी ये बिहेव करती हैं अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो भी ये डाइवर्ट होंगी और मैग्नेटिक फील्ड में भी ये अपना बिहेवियर या डिफ्लेक्शन शो करती हैं बेसिकली आप कंसिडर कर सकते हैं जैसे एक सिलेंडर की फॉर्म में ये एक वेव है और इलेक्ट्रिकल वेक्टर जिसे इस रेड लाइन से शो किया गया है तो ये इलेक्ट्रिकल वेक्टर यू में कंसडर के हर एक डिग्री पर थ्री सिक्सटी डिग्रीज अगर एक साइकिल में है एक सर्कल में है तो हर डिग्री पर एटलीस्ट एक वेक्टर मौजूद है और हर एक इलेक्ट्रिक वेक्टर के परपेंडिकुलर यानी नाइनटी डिग्रीज़ पर एक मैग्नेटिक वेक्टर भी मौजूद है ये वेव्स इन्हें हम मोनोक्रोमेटिक भी कहते हैं पॉलीक्रोमेटिक भी कहते हैं अगर एक से ज़्यादा वेव लेंथ मौजूद हैं वेव लेंथ को हम आगे डेफिनेशंस करते हैं तो उसे पॉलिक्रोमेटिक लाइट कहते हैं और अगर एक सिंगल वेव जैसे इस वक्त शो कर रहे हैं तो एक सिंगल वेव तो ये मोनोक्रोमेटिक लाइट कहलाएगी इसे अक्सर हम कंफ्यूज करते हैं प्लेन पोलराइज लाइट से प्लेन पोलराइज लाइट का मतलब कि किसी प्रिज्म से गुजार के हम इन दोनों वेक्टर्स को समेट के एक सिंगल वेक्टर में ले आए यानी एक वेव एक इस तरह से कॉन्स्टिट्यूट हो जाए कि जैसे एक पेपर है एक सिंपल और इस प्लेनर पेपर को या एक प्लेनर वेव को मूवमेंट बड़े आराम से ऑब्जर्व की जा सकती है उसको हम प्लेन पोलराइज लाइट कहते हैं लेकिन इस वक्त हम एक मोनोक्रोमेटिक लाइट देख रहे हैं यानी जिसमें एक सिंगल वेव है और हर एक इलेक्ट्रिक वैक्टर के अगेंस्ट यहाँ पर मैग्नेटिक वेक्टर भी मौजूद है अलेक्ट्रो मैगनीटिक रेडिएशन्स रेडियो वेव से लेकर गामा रेस तक तमाम की तमाम रेडियशंस अलक्ट्रो मैगनीटिक रेडिएशन कहलाती हैं यानी उसमें इलेक्ट्रिकल वैक्टर और वैक् और मैगनीटिक वक्टर दोनों मौजूद होते हैं साइज़ का अंदाज़ा करने के लिए वेव लेंथ किसकी ज़्यादा है और किसकी कम है और उसमें किस किस्म का रिलेशन पाया जाता है ये कुछ आइडियाज़ दिए गए हैं कि जैसे रेडियो वेव्स को हम बिल्डिंग्स की सूरत में या हेमन की सूरत में कंसिडर कर सकते हैं रेडियो वेव्स जिनकी वेवलेंथ आमतौर पे मीटर्स में होती है जैसे टेन सुपार थ्री मीटर्स तो माइक्रोवेव इसकी नस्बत हनी बीज को हम कंसिडर कर सकते हैं जिनकी वेव लेंथ इसके मुकाबले में बहुत कम है इन्फ्रेड रेडिएशन्स जैसे एक पिन पॉइंट आप किसी जगह पर एक पॉइंट रखें तो वेव लेंथ रीजन की और कम हो जाती विजिबल रीजनस के लिए प्रोटोजोआस और अल्ट्राइलेट के लिए मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंटेशन दी गई है यानी अब वेवलेंथ इतनी कम हो गई है कि हमारा हमारी रेडिएशन मॉलिक्यूल्स के अंदर भी पेनिट्रेट कर सकती है रेडियो वेव्स सिर्फ सरफिस से टकरा कर वापस आ जाती हैं जैसे आपके रेडियो वेव्स रेडियो सिग्नल्स हैं मोबाइल के सिग्नल्स हैं या टेलीविजन के सिग्नल्स हैं जो रेडियो वेव्स हैं जो सर्फेस से टकरा कर वापस आ जाती हैं इसलिए अक्सर का बेसमेंट में आपको रेडियो सिग्नल्स मौसू नहीं हो रहे होते माइक्रोवेव उसकी नस्बत छोटी वेव्स हैं लेकिन विजिबल रीजन की या अल्ट्राइलेट रीजन की लाइट्स इनकी वेवलेंथ इतनी कम हो जाती है कि ये मॉलिक्यूल्स में भी पेनिट्रेट करती हैं एक्स रेज इनको रिप्रेजेंटेशन एटम्स के साथ दी गई है यानी एक एटम के अंदर भी पेनिट्रेट और उसको ब्रेक डाउन करने की सलाहियत रखती हैं और गामा रेज को ऑटोमिक निकल से रिप्रेजेंटेशन दी गई है तो ये इनके वेवलेंथ और इनके साइजेस को हम इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं दूसरी तरफ फ्रीक्वेंसी का एक टेबल है और फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ इस साइड पर इंक्रीज हो रही है और फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हैं कि वर्सा लेफ्ट टू तो राइट इंक्रीज हो रही है इसका मतलब है वेव लेंथ फ्रिकुनसी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेव लेंथ के यूनिट्स को हम नैनोमीटर पर साइकिल या सेंटीमीटर पर साइकिल नॉर्मली वेव लेंथ कंसिडर करते हैं फ्रिक्वेंसी इसे हम साइकिल पर सेकेंड्स कहते हैं और स्पीड ऑफ लाइट जिसे थ्री पॉइंट जीरो मल्टीप्लाई बाई टेन रो टेन सेंटीमीटर पर सेकेंड या टेन रू एट मीटर पर सेकेंड्स ये कांस्टेंट है जो ये इस वक्त एक वेव दिखाई गई है अगेन तो दो मैक्सिमा या दो मिनिमा के दरमियान जो डिस्टेंस है उसे वेवलेंथ कहते हैं उसे लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं लेमडा और फ्रिक्वेंसी ये एक दूसरे के इन्वर्स प्रोपोर्शनल है यानी फ्रिक्वेंसी इज़ वन ओवर लैम्डा फ्रिक्वेंसी को हम म्यू से या न्यू से रिप्रेजेंटेशन देते हैं ये वी नहीं है इसको टिल्ट करके जैसे न्यू बोला जाता है और जब इनको इक्वल का साइन लगाएंगे तो एक कॉन्सटेंट ऐड करेंगे और यहाँ कॉन्सटेंट स्पीड ऑफ लाइट है स्पीड ऑफ लाइट किसी भी यानी लाइट ये जितनी भी रेज हमने डिस्कस की थी रेडियो वेव से लेकर गामा रेस तक इनकी स्पीड सेम रहती है और जो स्पीड सेम रहती है तो एक वक्त में कितनी वेव्स एक यूनिट एरिया से गुजर सकती हैं वो डिपेंड करती है कि वेव लेंथ कितनी है अगर बड़ी वेव होगी तो डेफिनेटली कम साइकल्स एक सेकंड में पर एरिया से गुजरेंगे इसलिए फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी और अगर वेव लेंथ कम होगी तो यकीन ज़्यादा वेव्स पर यूनिट एरिया से एक सेकंड में पास करेंगी इसलिए उनकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी तो वेव लेंथ तो फ्रिक्वेंसी एक दूसरे के अपोजिट इन्वर्स प्रोपोर्शन है बशर्ते के और हम कंसिडर क्या करें ये स्पीड ऑफ लाइट कॉन्स्टेंट रहती है इस तमाम फिनमना में ये जो डेफिनेशनस हैं इसको इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं जैसे एम्पलीट्यूड एक वेव के अंदर जो हाइट बनती है उसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं यानी मिड एरिया से एवरेज पॉइंट से जितनी भी हाइट है उसे एम्पलीट्यूड कहलाएँगी दो मैक्सिमा या दो मिनिमा के दरमियान जो डिस्टेंस है उसे हम वेव लेंथ कहते हैं और एक यूनिट एरिया से कितनी वेव्स एक सेकेंड में पास होती हैं इसे फ्रिक्वेंसी कहा जाता है फ्रिक्वेंसी को न्यू से वेव लेंथ को लम्डा से और एम्पलीट्यूड को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है